इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में दर्ज काकोरी ट्रेन एक्शन के बलिदानियों की याद में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो गोरखपुर में होने जा रहा है। 750 ड्रोन की रंग बिरंगी आभा में जंगे आजादी गाथा जीवंत होगी। आजादी के अमृत वर्ष के कार्यक्रमों की कड़ी में यह आयोजन 19 दिसंबर की शाम 5 बजे रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और प्रदेश सरकार के पर्यटन व संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों की याद में प्रदेश सरकार 15 से 19 दिसंबर तक काकोरी बलिदान दिवस समारोह मना रही है। 19 दिसंबर को ही अमर सेनानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है। 1927 में इसी तिथि को उन्होंने गोरखपुर जेल में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। 750 ड्रोन से होने वाले शो में उनकी शौर्य गाथा को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। ड्रोन शो में गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि पर प्रथम स्वतंत्रता समर 1857 से लेकर आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तक के विभिन्न घटनाक्रमों के तथा इससे जुड़े क्रांतिवीरों का चित्रमय वर्णन किया जाएगा। इसमें आकाश में एक साथ 750 ड्रोन के माध्यम से संगीत, लेजर लाइट तथा रंग बिरंगी कलाबाजियों को प्रस्तुत किया जाएगा। अमर शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, चौरी चौरा प्रतिशोध के शताब्दी वर्ष समेत देश को स्वतंत्र कराने में बलिदान देने वाले भारत माँ के सपूतों की गाथा से पूरा आसमान रोशन हो उठेगा। गोरखपुर में होने वाला ड्रोन शो देश का अब तक का सबसे बड़ा शो होगा। इसके पहले 20 दिसंबर 2021 को लखनऊ के रेजिडेंसी में 500 ड्रोन शो से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा का प्रदर्शन किया गया था। आजादी के अमृत वर्ष के आयोजनों की श्रृंखला में गोरखपुर में नया इतिहास रचने की तैयारी है।